रिश्ता क्या कहलाता की कहानी में आसमा, अरमान और रूही तीनों एक साथ कहानी में दिखाए गए हैं और सीधा शादी का टोस्ट आया है। जो आपको बता दे कि आसमा की शादी होगी अरमान से और रूही की शादी किसी और से। जहाँ पहले तो रूही और अरमान एक दूसरे से प्यार करेंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे होंगे कि रूही की शादी किसी और से हो जाएगी, शायद अरमान के भाई से हो जाएगी। और वहीं अबीरा की शादी हो जाएगी अरमान से तो परिवार गुस्से में आ जाएगा और सभी परिवार वाले अबीरा को टॉर्चर करते हुए नजर आएंगे। जहां आपको ये भी बता दें कि अरमान की माँ मंजरी से बात करते हुए नजर आने वाली है। जी आपको बता दें कि मंजरी कहानी में दिखाई थी कि और मंजरी को देखने वाले हैं आप अरमान की माँ से बात करते हुए, लेकिन कहानी में मंजरी अबीरा से नफरत करते हुए नजर आएगी। अबीरा के प्रति हेटनेस होगी क्योंकि वो अपने बेटे को खो जो चुकी होगी अबीरा के ही से। वह लीप से पहले और लीप के बाद बहुत से राज होंगे जो कि सामने आएंगे, क्योंकि अचानक लीप आ जाएगा सालों का और उसके बाद उसके बीच में जो कुछ भी होगा या हुआ होगा वो फ्लैशबैक के जरिए ही दिखाया जाएगा। अब देखना होगा ये कि फ्लैशबैक के जरिए और कौन कौन से सच सामने आते हैं और कौन कौन से रिश्तों पर से पर्दा उठता है। बाकी के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।